व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, हमारे एरिया में स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है। एनीवेज, आज की वीडियो में हम चैलेंज ट्राई करेंगे कि 6 क्यूब्स 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने सोचा 2 मिनट्स के अंदर ये चैलेंज को ट्राई करते हैं, बट मैंने वीडियो बनाने से पहले एक डेमो लिया तो उसमें मैंने चेक करा के मेरा टाइम जो है ना 1 मिनट 29 सेकंड्स था, तो मैंने सोचा एक चैलेंज ट्राई करेंगे। काफ़ी हार्ड होने वाला है क्योंकि कैमरे के ऊपर नर्वसनेस कुछ अलग होती है। तो चलिए हम पहले स्क्रैम्बल कर लेते हैं। मैं थोड़ा यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रैम्बल पार्ट बोरिंग। हम हर क्यूब के लिए एक डिफरेंट स्क्रैम्बल यूज़ कर रहे हैं। मैं टैप कर करके स्क्रैम्बल को चेंज कर रहा हूँ तो हर क्यूब के लिए डिफरेंट हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्शन मैंने की तो थोड़ा जो क्यूब का वाइट क्रॉस थोड़ा बने हुआ था उस क्यूब से मैंने स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हैं अच्छा ही। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था यार ये वीडियो बना रहे थे, आई डोंट नो भाई, आई थिंक और प्रैक्टिस लगेगी ये नर्वसनेस दूर करने, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना पूरा बेस्ट नहीं दे पा रहा था और काफ़ी लॉकअप भी हो रहे थे क्यूब्स में। बट ऐसा नहीं है कि क्यूब्स मैंने क्लीन नहीं किए, लुब्रिकेट नहीं किए, पूरे क्यूब्स अच्छे कंडीशन में नीट एंड क्लीन है। उसके बावजूद मैं थोड़ा आप समझ सकते हैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि ऐसा चैलेंज कैमरे पे फर्स्ट टाइम मैंने किया। अच्छा, मेरी एक वीकनेस है, जब ऐसे सबके ऑडियंस के सामने से चीज़ें मैं करने में थोड़ा फेल हो जाता हूँ, ये मेरी आदत है। तो एनीवेज, इतना ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके लिए, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसे चैलेंजेस ट्राई करते रहिए गाइस, ताकि आप भी क्यूबिंग में और इम्प्रूव करें। ये सब पार्ट है इससे कि बहुत से स्किल्स इम्प्रूव होंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होएगी। ऐसा नहीं कि मुझे याद है आज से तीन चार महीने पहले मैंने सेम चैलेंज किया था, तो जब मेरा टाइम 2 मिनट्स 20 सेकंड जैसा कुछ आया था और उसी मोमेंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन क्यूबिंग डे बाई डे। ठीक है, मैं एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा हूँ, हालांकि मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा हूँ अभी क्योंकि मेरा जॉब है। ठीक है, 8-9 घंटे का जॉब है, फिर दूसरे भी घर के काम है। मैं बस आई थिंक हार्डली 1-1.5-2 घंटे दे पा रहा हूँ क्यूबिंग को दिन में। फिर मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। चैनल का नाम आपने समझ गया होगा, फिट क्यूबर क्यों है, खैर वो तो आगे और आपको डिटेल में पता चल जाएगा। होप एनीवेज 1 मिनट 46 सेकंड्स मेरा टाइम था, सॉरी मैंने जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं है। एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।